करीना कपूर खान भी सारा अली खान को अपनी दोस्त की तरह ही ट्रीट करती है और उनसे अपने करियर को लेकर सलाह मशवरा करती रहती है। सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर खान के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी शेयर करती है। सारा अक्सर अपनी सौतेली माँ करीना के साथ अपने रिलेशनशिप पर बात करती है और वो उनके चैट शो व्हाट डू वुमेन वांट में भी शिरकत कर चुकी है। करीना भी सारा को अपनी दोस्त की तरह ही ट्रीट करती है। एक बार एक इंटरव्यू में करीना ने सारा की तारीफ करते हुए बताया था कि कैसे सारा ने उनके एक फैसले को बदल कर रख दिया था। दरअसल साल 2012 में करीना और सैफ ने शादी के बाद ये तय किया था कि वो पर्दे पर किसिंग सीन नहीं देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। शादी के बाद किसिंग सीन ना करने की बात को जब उन्होंने सारा के साथ डिस्कस किया तो सारा ने उनके फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। करीना ने बताया, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि वो सारा ही थी जिनसे हमने ये बात डिस्कस की। सैफ ने सारा को कहा कि मैंने और करीना ने अब ऑन स्क्रीन किस ना करने का फैसला लिया है। जब सारा ने ये बात सुनी तो वो चौंक गई और उन्होंने कहा कि बहुत ही बचकाना डिसीजन है। क्योंकि आप दोनों ही एक्टर्स हो और आप जानते हो कि आजकल जो फिल्में बन रही हैं, उनमें कोई भी ये बात गलत नहीं मानता अगर दो किरदार किस करते हैं। करीना ने कहा कि फिल्म की एंड का में मैं और अर्जुन पति पत्नी की भूमिका में थे तो मैं नहीं कह सकती कि मैं किसिंग सीन नहीं करूंगी। वहाँ दो फूलों के टकराने का सीन लगा दीजिए तो सारा ने हमसे कहा कि आप दोनों को ऑन स्क्रीन किसकी पॉलिसी बदलनी चाहिए। आपको बता दें कि सारा सैफ और अमृता सिंह की बेटी है। दोनों का तलाक हो गया था जिसके बाद सैफ ने करीना को अपनी दूसरी बीवी बना लिया, लेकिन सैफ अब भी अपने दो बच्चों यानी कि इब्राहिम और सारा के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप बॉलीवुड से जुड़े किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल NN Bollywood को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।